हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे कि स्टीम टरबाइन को कैसे रीड किया जाता है। तो ये वीडियो दो पार्ट में बनने वाली है। तो पहले पार्ट में आप देखोगे कि प्योर सब्सटेंस का फेज जब चेंज होता है तो उसके प्रॉपर्टीज में कैसे चेंजेस आते हैं और उसके फॉर्मूलेस कैसे डेवलप होते हैं, और पार्ट टू में आप देखोगे कि जो भी फॉर्मूले डेवलप होने वाले हैं उसको कैसे अप्लाई किया जाता है बाय द यूज ऑफ स्टीम टेबल। तो आइए पार्ट वन को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो प्योर सब्सटेंस मीन्स व्हाट? प्योर सब्सटेंस मतलब होता हैव द सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन। तो फिक्स केमिकल कंपोजिशन मीन्स वॉट? जैसे कि वॉटर लिया, वॉटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2O। H2O से ही वॉटर बनता है। अगर आप H3O करोगे तो वॉटर उसका नहीं फॉर्म होने वाला है। तो वॉटर का फिक्स केमिकल कंपोजिशन है, दिस मीन्स वॉटर इज द प्योर सब्सटेंस। तो अब ये प्योर सब्सटेंस का फेज चेंज कैसे होता है, तो ये समझने के लिए मैंने एक कंटेनर लिया। तो कंटेनर में मैंने वाटर डाला हुआ है, तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, और उसका प्रेशर कितना है? 1 एटमोस्फियर। और ये कंटेनर को अभी मैंने हीट सप्लाई किया। व्हाट विल हैपन आफ्टर सप्लाइंग द हीट? वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंक्रीज होने के बाद वाटर का टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके पहुंच गया। नाउ आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर दैट अगर मैंने हीट सप्लाई कंटिन्यू रखा, देन व्हाट विल हैपन? सम पोर्शन ऑफ द वाटर इवोपरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग। तो अभी कंटेनर में क्या क्या चीजें बची हुई है? यहाँ पे तो लिक्विड है, और सम पोर्शन ऑफ द वॉटर इवोपरेट हुआ, इवोपरेट होने की वजह से यहाँ पे वेपर फॉर्म हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट, अभी वापस से मैंने हीट सप्लाई कंटिन्यू किया है कंटेनर को, तो अभी ये जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वॉटर है वो क्या हो जाएगा? वो भी इवोपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी कंटेनर में क्या बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ वेपर बचा हुआ है। और इसका अगर आप टेम्परेचर ध्यान से देखोगे, जो बॉइलिंग प्रोसेस चालू है राइट फ्रॉम स्टेट टू टू स्टेट फोर, उसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। सो एट स्टेट फोर यू आर गेटिंग द वेपर ओनली, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी प्योर सब्सटेंस बचा हुआ नहीं है। इसका कंप्लीटली फेज चेंज यहाँ पे हो गया है। अगर मैंने कंटेनर को हीट सप्लाई किया, अभी क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी फेज चेंज होने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो अभी ये वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने के बाद उसका टेम्परेचर कितना हुआ? से फॉर एग्जाम्पल 300 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इनिशियली जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, प्योर सब्सटेंस, एंड व्हेन यू आर सप्लाइंग हीट कंटिन्यूअसली, देन इट्स फेज इज चेंज टू वेपर। सो एट स्टेट फाइव यू आर गेटिंग द हाई टेम्परेचर वेपर। सो ऑल दिस प्रोसेसेस राइट फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट फाइव, अभी मैं ये प्रोसेसेस टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में प्लॉट करूंगा। तो वाई एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर ले लिया और एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया वॉल्यूम। तो पॉइंट नंबर वन, दैट इज स्टेट नंबर वन, मुझे प्लॉट करना है अभी। तो यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम कुछ यहाँ पे कंज्यूम किया हुआ है वाटर ने, तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कुछ यहाँ पे छोड़ दिया है और उसका टेम्परेचर मैंने प्लॉट कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस। देन ये कंटेनर को हीट करने के बाद इसका वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज हो गया और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वॉल्यूम इज स्लाइटली इंक्रीज एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अभी यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हुआ है। तो बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद इसका फेज चेंज, वाटर का फेज चेंज हुआ, और फेज चेंज होने के बाद यहाँ पे कुछ वेपर है और यहाँ पे लिक्विड है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है पॉइंट 3, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 100 डिग्री सेल्सियस पे आया। देन पॉइंट 4 भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे कम्प्लीटली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपराइजेशन हुआ है।
तो 0.4 भी 100 डिग्री सेल्सियस पे आया। देन 0.5 पे जब आप ये पॉइंट स्टेट 4 को जब आप हीट कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 300, और साथ साथ उसका वॉल्यूम भी आप देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होके यहाँ तक आया और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इन दिस वे यू कैन प्लॉट 0.1 टू 0.5 ऑन द टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। नाउ इफ आई ड्रॉ वन कर्व इन बिटवीन द पॉइंट्स लाइक दिस, तो ये जो डायग्राम है अभी तीन डिफरेंट रीजन में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। तो पहला रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है और तीसरा रीजन ये है। तो पहले रीजन में आप देख सकते हो 0.1 टू 0.2 आने वाले हैं। तो 0.1 और 0.2 में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, बराबर है। 0.1 पे भी लिक्विड है और 0.2 पे भी लिक्विड है, मतलब ये जो रीजन रहने वाला है वो कौन सा रीजन रहने वाला है, वो लिक्विड रीजन रहने वाला है। देन पॉइंट नंबर 2 से वाटर का फेस चेंज होना स्टार्ट हुआ है, मतलब पॉइंट नंबर 2 पे आप देख सकते हो यहाँ पे तो लिक्विड है जो कि ये रीजन में आने आ रहा है और यहाँ से फेस चेंज होना स्टार्ट हुआ है। तो पॉइंट नंबर 3 पे आप देख सकते हो लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर है और पॉइंट नंबर 4 पे कम्प्लीटली वेपर है, मतलब ये जो कर्व आपने ड्रॉ किया है वो कर्व के अंदर में क्या रहने वाला है, लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 पे आप देख सकते हो कम्प्लीटली वेपर है और पॉइंट नंबर 5 पे हाई टेम्परेचर वेपर है। तो इन दिस वे ये रीजन में क्या रहने वाला है, अभी ये रीजन में रहने वाला है वेपर, हाई टेम्परेचर वेपर। तो ये रीजन को अभी नाम दे देंगे। तो ये रीजन, पहला रीजन जो कि वाटर प्रेजेंट है या लिक्विड प्रेजेंट है यू कैन से, तो उसको आप बोलोगे लिक्विड रीजन, और उसको और एक नाम है, उसको बोलते हैं सबकूल्ड रीजन। देन इन बिटवीन द कर्व व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग द लिक्विड प्लस वेपर। सो लिक्विड प्लस वेपर रीजन है तो उसको बोलते हैं वेट रीजन। देन ऑन दिस साइड मतलब 0.4 टू 0.5 यहाँ पे कम्प्लीटली वेपर है, तो ये रीजन को बोलोगे आप वेपर रीजन, और उसको और एक नाम है, उसको बोलोगे आप सुपर हीटेड रीजन। ओके, देन अभी आपने देखा कि जैसे पॉइंट नंबर टू से फेज चेंज होना स्टार्ट हुआ है, तो ये पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द लिक्विड। सैचुरेशन पॉइंट मतलब क्या, सैचुरेट, कभी कभी आप बोलते हो कि मैं आज बहुत सैचुरेट हो गया हूँ। सैचुरेट हो गया हूँ मतलब क्या, अभी आपका सुनने का कैपेसिटी यहाँ पे खत्म होता है, मतलब कुछ भी चीज एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी खत्म होता है आपका। तो जैसे यहाँ पे वाटर है, तो वाटर का यहाँ पे अभी हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी यहाँ पे खत्म हुआ है, मतलब अभी ये पॉइंट से फेज चेंज होना स्टार्ट हुआ है वाटर का। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ओके, तो जैसे पॉइंट नंबर 4, अभी यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे आप देख सकते हो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे था, पॉइंट 3 भी 100 डिग्री सेल्सियस पे था, पॉइंट 4 भी 100 डिग्री सेल्सियस पे था। तो यहाँ पे जैसे ही आप हीट सप्लाई करते हो तो अभी ये जो वेपर फॉर्म हुआ है इसका अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहने का कैपेसिटी यहाँ पे खत्म होता है। तो अभी इसका टेम्परेचर 0.5 पे जाने के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ये पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द वेपर। सो सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द वेपर, सैचुरेशन पॉइंट मतलब इसका वेपर का हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी यहाँ पे खत्म होता है, तो अभी ये इस टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज होने वाला है वेपर का। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द वेपर। देन नाउ ये जो प्रोसेस है राइट फ्रॉम 0.1 टू 0.5 यहाँ पे आप कंटिन्यूस हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हीट जो होता है, हीट के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट, तो सेंसिबल हीट मतलब क्या होता है, एंड सेकंड वन इज द लेटेंट हीट। सो सेंसिबल हीट मींस, तो सेंसिबल हीट मींस चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द प्योर सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इन द फेज। सिर्फ और सिर्फ प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होगा, उसका फेज चेंज नहीं होगा। मतलब टेम्परेचर चेंज होगा मतलब 20 से 100 पे जाएगा, तो देर इज ओनली चेंज इन टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इन द फेज। लैटेंट हीट मतलब क्या, उसका चेंज ऑफ फेज होगा, मतलब लिक्विड का वेपर बनेगा। तो जो भी हीट इन्वॉल्व होगा वो प्रोसेस में, उसको बोलोगे आप लैटेंट हीट। और टेम्परेचर चेंज होने के लिए जो भी हीट इन्वॉल्व हो रहा है उसको आप बोलोगे सेंसिबल हीट। ओके, सो हाउ द सेंसिबल हीट एंड लैटेंट हीट
कैन बी ड्रॉन ऑन द टीवी डायग्राम. तो ये आपका टीवी डायग्राम है, जस्ट आपने देखा था 1 to 2 में लिक्विड रीजन होता है, 2 से लेके 4 में वेट रीजन होता है, और 4 से लेके 5 में वेपर रीजन होता है, और इसको आप सुपरहीटेड रीजन भी बोलते हो. तो सेंसिबल हीट मतलब क्या, यहाँ से आप देख रहे हो 20 से 100 हो रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा हीट इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी हीट कुछ भी फेस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा हीट इन्वॉल्व है, यहाँ पे हीट इन्वॉल्व है सेंसिबल हीट. और पॉइंट नंबर 2 को आप सैचुरेशन पॉइंट बोलते हो, तो सैचुरेशन पॉइंट से फेस चेंज होना स्टार्ट हुआ है, और फेस चेंज खत्म कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट नंबर 4 पे, यहाँ पे कम्प्लीटली वेपर हो रहा है, मतलब पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 4 पे कम्प्लीटली फेस चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे कौन सा हीट इन्वॉल्व है, यहाँ पे हीट इन्वॉल्व है लैटेंट हीट. देन वापस से पॉइंट नंबर 4 पे वेपर बनने के बाद, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे था, और यहाँ से हीट सप्लाई करने के बाद वेपर का टेम्परेचर चेंज होके ये 300 पे जा रहा है, और यहाँ पे कुछ भी फेस चेंज नहीं हो रहा है, वेपर का वापस से लिक्विड नहीं बन रहा है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेपर है, तो यहाँ पे कौन सा हीट इन्वॉल्व रहेगा, यहाँ पे हीट इन्वॉल्व रहेगा सेंसिबल हीट. ओके, इन दिस वे यू कैन शो द सेंसिबल हीट एंड द लैटेंट हीट ऑन द टीवी डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम. देन जब भी फेस चेंज हो रहा है तो उसके प्रॉपर्टीज कौन से चेंज होते हैं, या तो फिर स्टीम टेबल में कौन से प्रॉपर्टीज आपको दिए जाते हैं. तो कौन से प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, उसका एंथैल्पी, प्योर सब्सटेंस का एंट्रोपी एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं व्हेन द चेंज ऑफ फेज ऑफ द प्योर सब्सटेंस टेक्स प्लेस. सो इसके अभी डिफरेंट केसेस है, तो केसेस स्टडी करेंगे. तो केस 1 में दिया हुआ है इफ द स्टीम इज वेट, इफ द स्टीम इज वेट, जो भी स्टीम है वो वेट है, वेट मतलब क्या है, उसमें लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर है. तो ये आपका टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है, ये तीन डिफरेंट रीजन है. तो पॉइंट आप कहाँ पे प्लॉट करोगे, व्हेन द स्टीम इज वेट, तो व्हेन द स्टीम इज वेट आप ये कर्व के अंदर पॉइंट प्लॉट करोगे. तो पॉइंट किधर भी आप प्लॉट कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी, किधर भी आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हो इन द वेट रीजन. ओके, तो मैंने सपोज ये पॉइंट ले लिया पॉइंट ए. अभी ये पॉइंट पे मुझे स्पेसिफिक एंथैल्पी फाइंड करना है, स्पेसिफिक एंट्रोपी फाइंड करना है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड करना है. तो क्या फॉर्मूला रहने वाला है एंथैल्पी का, तो एंथैल्पी का फॉर्मूला रहने वाला है एंथैल्पी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी. तो ये पॉइंट्स अभी, व्हाट इज दिस एच एफ एंड व्हाट इज दिस एच एफ जी और एंड व्हाट इज दिस एक्स, तो ये समझने के लिए एक आपने सैचुरेशन पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द लिक्विड एंड सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द वेपर. अभी ये दो पॉइंट्स को मैं नीचे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इन दिस वे. देन अभी पॉइंट नंबर 2 मतलब क्या है, सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द लिक्विड. तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी रहने वाला है वो रहने वाला है एच एफ, एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड, मतलब सैचुरेशन पॉइंट ऑफ लिक्विड में जो भी एंथैल्पी मिलने वाला है आपको वो रहने वाला है एच एफ, एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड. एफ डिनोट्स द फ्लूइड, फ्लूइड और इट इज द लिक्विड. ओके, देन ये पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट ऑफ वेपर है, तो सैचुरेशन पॉइंट ऑफ वेपर पे जो भी एंथैल्पी मिलने वाला है वो रहने वाला है एच जी, जी डिनोट्स द गैस. ओके, सो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, मतलब पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 4 तक कंटिन्यूस फेस चेंज हो रहा है. ओके, और यहाँ पे कौन सा हीट इन्वॉल्व है, लैटेंट हीट. ओके, तो लैटेंट हीट को अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूँ, इन दोनों का मुझे डिफरेंस लेना पड़ेगा, मतलब फाइनल एंथैल्पी माइनस द इनिशियल एंथैल्पी, तो वो रहेगा एच जी माइनस एच एफ, उसको आप बोलोगे एच एफ जी. तो एच एफ जी मतलब क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ से फेज चेंज होना कंटिन्यूस स्टार्ट हुआ था. ओके, और यहाँ पे आके खत्म हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है और इवोपरेशन हो रहा है प्योर सब्सटेंस का. ओके, तो उसको आप बोलोगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय एच एफ जी. ओके, तो पॉइंट नंबर ए पे अभी मुझे एंथैल्पी निकालना है, तो एच एफ मतलब एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट पे जो भी एंथैल्पी मिलने वाला है सैचुरेशन पॉइंट ऑफ लिक्विड पे, वो रहेगा एच एफ प्लस एक्स, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है. ड्राइनेस फ्रैक्शन अभी थोड़ी देर में देखेंगे आप क्या होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब. और एच एफ जी मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब एच जी माइनस एच एफ.
So in this way, you can find the specific enthalpy at point A in the weight region. Then specific entropy कैसे find करेंगे? तो entropy find करने के लिए वापस से SF, SF मतलब saturation point पे जो भी entropy रहेगा, वो आप denote करोगे SF से. S मतलब entropy and entropy of the fluid मतलब liquid का saturation point पे. और SFG मतलब इन दोनों का difference. Final entropy minus the initial entropy, that is the SFG. And specific volume का कैसे find करेंगे? वापस से VF, specific volume at the saturated point of the liquid, that is VF, and saturated point of vapor में रहेगा VG. और इन दोनों का difference लेते हो तो वो रहता है VFG. So where this X, X is called as the dryness fraction. So to understand the dryness fraction or to calculate the dryness fraction, let us take one example. So dryness fraction ko aur ek naam hai quality of the steam. So to understand this thing, let us consider one example. So ek container liya hua hai maine. Ye container mein maine liquid plus vapor mixture dala hua hai. To ye kitna hai iska? Ye 1 kg ka liquid plus vapor mixture hai ye container mein. Suppose उसमें x kg का वेपर है. ये 1 kg में से 1 kg ऑफ लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर में से x kg का वेपर लिया हुआ है. तो कितने kg का लिक्विड रहेगा? ऑब्वियस है 1 minus x kg का लिक्विड रहेगा. ओके तो ये जो x है, ये x को बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन. तो x को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय यूजिंग दिस फार्मूला, मास ऑफ वेपर दैट इज mv अपॉन मास ऑफ लिक्विड अपॉन प्लस मास ऑफ द वेपर. तो ये वैल्यूज को पुट करना है और आपको मिलेगा ड्राइनेस फ्रैक्शन. सो ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है उसका रेंज क्या होता है? ये रेंज होता है 0 to 1. तो ये समझने के लिए मैंने वापस से टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम कंसीडर किया. सो व्हाट इज एक्स इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज एक्स इक्वल टू 1. तो सपोज मैंने एक्स इक्वल टू 0 कंसीडर किया है. तो x equals to 0 मैंने ये इक्वेशन में डाल दिया. तो x equals to 0 मतलब यहाँ पे क्या बचने वाला है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बचने वाला है. तो ये पॉइंट मैं कहाँ पे प्लॉट करूंगा ऑन दिस डायग्राम? ये पॉइंट प्लॉट करूंगा मैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि ये सैचुरेटेड पॉइंट है लिक्विड का. और यहाँ पे रहने वाला है x equals to 0 मतलब सैचुरेटेड लिक्विड रहने वाला है यहाँ पे. ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ x equals to 0, यू विल गेट द सैचुरेटेड लिक्विड. देन x equals to 1 मतलब क्या? तो x का वैल्यू 1 है मतलब यहाँ पे क्या है? कंप्लीटली वेपर है. तो वेपर पॉइंट मतलब क्या? सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ द वेपर मतलब ये रहने वाला है पॉइंट नंबर 4. तो यहाँ पे रहने वाला है x इक्वल्स टू 1. तो इन दिस वे x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक वेरी होता है. सो इफ आई कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल, सपोज इफ x इक्वल्स टू 0.25. तो 0.25 मतलब क्या है? ये किसका परसेंटेज है? ये वेपर का परसेंटेज है. आप यहाँ पे देख सकते हो x इक्वल्स टू वेपर आपने कंसीडर किया है. तो कितना यहाँ पे 25% में वेपर है और 75% में लिक्विड है. तो मोर परसेंट में लिक्विड है मतलब ये पॉइंट कहाँ पे प्लॉट होने वाला है? नियर टू द लिक्विड रीजन मतलब समवेयर ओवर हियर. ओके तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.25 रहेगा जिसमें 75% लिक्विड है और 25% क्या है? वेपर है. तो वन मोर एग्जाम्पल, इफ x इक्वल टू 0.75 है. तो x इक्वल टू 0.75 है मतलब यहाँ पे 75% क्या है? वेपर है मतलब वेपर का परसेंटेज ज्यादा है मतलब ये वेपर रीजन के नजदीक यहाँ पे प्लॉट होगा. ठीक है, उसमें 25% सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिक्विड है. ओके तो समवेयर ओवर हियर यू कैन प्लॉट द x इक्वल टू 0.75. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. Then, case 2. अभी case 2 में क्या दिया हुआ है? If the steam is superheated. तो superheated steam है तो ये कहाँ पे plot होने वाला है? In the superheated region. तो suppose ये point जो है आप कहाँ पे भी plot कर सकते हो in the region. तो मैंने यहाँ पे ये consider कर दिया point A. अभी ये point पे मुझे specific enthalpy, specific entropy and the specific volume मुझे find करना है. तो what are the formulas? तो फॉर्मूला है एंथैल्पी का HG मतलब क्या होता है? HG आपको कहाँ पे मिलने वाला है? सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ वेपर में, बराबर है. तो यहाँ पे ये पॉइंट पे आपको मिलने वाला है HG.
देन सीपीजी मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वेपर और गैस. देन सुपरहीटेड टेम्परेचर माइनस सैचुरेटेड टेम्परेचर. तो सुपरहीटेड टेम्परेचर और सैचुरेटेड टेम्परेचर मतलब क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टीम हैविंग प्रेशर 50 बार एंड 300 डिग्री सेल्सियस, ये स्टीम का कंडीशन दिया हुआ है, 50 बार उसका प्रेशर है और 300 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है. तो जो प्रेशर दिया हुआ है उसको आपको स्टीम टेबल में देखना है, और स्टीम टेबल में देखने के बाद उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो भी रहने वाला है वो रहने वाला है सैचुरेटेड टेम्परेचर. ओके, एंड जो गिवन टेम्परेचर है दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस वो रहने वाला है सुपरहीटेड टेम्परेचर. तो जब आप न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है आप पार्ट टू में देखोगे. ओके, देन स्पेसिफिक एंट्रोपी. स्पेसिफिक एंट्रोपी कैसे फाइंड करेंगे, एसजी मतलब वापस से सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ वेपर में आप स्पेसिफिक एंट्रोपी देखोगे, स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ द गैस दैट इज एसजी, प्लस सीपीजी दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, देन एलएन टी सुपरहीटेड अपॉन टी सैचुरेटेड. देन स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वीजी टी सुपरहीटेड अपॉन टी सैचुरेटेड. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सुपरहीटेड स्टीम. देन नेक्स्ट केस में इफ द स्टीम इज ड्राई एंड सैचुरेटेड. अभी स्टीम ड्राई एंड सैचुरेटेड है, तो ड्राई एंड सैचुरेटेड पॉइंट ऑन द टीवी डायग्राम आप कहां पे प्लॉट करते हो, तो ड्राई एंड सैचुरेटेड पॉइंट होता है पॉइंट नंबर 4. तो ये पॉइंट पे एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी होता है एचजी, एंट्रोपी होता है एसजी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वीजी. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम. देन द लास्ट केस इफ द प्योर सब्सटेंस इज सैचुरेटेड लिक्विड. तो सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट कहां पे प्लॉट होता है, सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट दिस इज द लिक्विड रीजन. तो सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज दिस पॉइंट नंबर 2. तो ये पॉइंट पे एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी होता है एचएफ, एंट्रोपी होता है एसएफ एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वीएफ. तो ये सब फॉर्मूले आप कैसे अप्लाई करेंगे ये पार्ट 2 में देखेंगे. थैंक यू.